शहबाज शरीफ जरदारी के दर पर आए, गुलदस्ता साथ लाए। जियालों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। तब्दीली सरकार की तब्दीली का एजेंडा ज़ेर गौर आया। अदम एतमाद की तहरीक कब लानी है, कामयाब कैसे बनानी है, अपोजिशन की अहम बैठक में गौर। मौलाना शहबाज और जरदारी की मुश्तरका मुलाकात बुध को होगी। तहरीक अदम एतमाद लाओ, शौक से लाओ, नंबर पूरे कैसे करोगे, शेख रशीद का अपोजिशन को चैलेंज। कहा, बातों और मुलाकातों से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। आवामी अहदेदारों के इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के मामले पर इलेक्शन कमीशन और हुकूमत आमने सामने आ गए। इलेक्शन कमीशन का मुशावरत ना करने का शिकवा, इलेक्शन ऑर्डिनेंस आइन की नफी करार। वज़ीर आज़म इमरान खान रूस के तारीखी दौरे पर कल मॉस्को रवाना होंगे। सदर पुतिन से बामी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी। इस्लामोफोबिया और अफगानिस्तान की सूरत हाल समेत अहम इलाकाई और आलमी मसाइल भी ज़ेर गौर आएंगे। बड़ी मुलाकात की कवरेज के लिए समा की टीम मॉस्को में मौजूद। पाकिस्तान ने बैरूनी इमदाद के लिए अमरीका का साथ दिया, लेकिन अब किसी आलमी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बैरूनी इमदाद को लानत करार दे दिया। रूसी टीवी को इंटरव्यू में कहा, आवाम को गुरबत से निकालने में कामयाब हो गया तो अपने रब के हुजूर सुरखुरू होंगा। और समा के सीनियर प्रोड्यूसर अतर मतीन के कत्ल के खिलाफ सहाफती तंजीमों का कराची पुलिस ऑफिस के बाहर मुजाहरा। शराय फैसल पर धरना, शहीद की बेटी की इंसाफ की दुहाई। कल प्रेस क्लब से सिंध असम्बली तक मार्च होगा।